is not joining, so I'm going to conduct the webinar. And today we have the most important data, that is US non-farm payrolls and unemployment data. So that is going to create a lot of volatility during the evening session. So the expectation is that the US non-farm payrolls will be somewhere estimated is to be 230. And the most of the investment banks are expecting that to be at around 300. So any number below 220 or 200 will lead to a sharp upside in gold and silver. So watch your eye on this data. Aaj sham ko US ka non-farm payrolls ka data hai. Aur 220 ke niche agar US ka payrolls jata hai ya unemployment badhke aata hai by 0.1 or 0.2% se expectation se, to jor se gold aur silver mein rally aa jayegi. And vice versa, agar payrolls badh jata hai 350-400 aisa kuch aata hai to gold aur silver mein profit taking aayega. सो मैं अभी फिलहाल आपको कोई कॉल नहीं देना चाहूंगा कि एग्रेसिवली आप गोल्ड और सिल्वर बाय कर लो या सेल कर लो, बट डेटा खराब आता है, 230 के नीचे आता है, तो डेफिनेटली इट्स अ बाय. या एक्सट्रीमली सॉरी, गॉट डिस्कनेक्टेड. सो अगर डेटा पॉजिटिव आता है देन इट इज अ ब्लाइंड बाय. डेटा 220 के नीचे यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स अगर रहता है तो आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय कर लेना. डॉलर इंडेक्स इसके कारण बहुत कमजोर हो जाएगा और जोर से हर एक कमोडिटी के अंदर एक अपसाइड देखने मिलेगी आपको. सो आज का यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा इज गोइंग टू बी द की फैक्टर फॉर कमोडिटी मार्केट. दूसरा जो मुझे लग रहा है जो फैक्टर जो आपको देखना चाहिए वो है क्रूड ऑयल में. क्रूड ऑयल ऑलरेडी हमने एक बहुत बड़ी मंदी, बड़ी गिरावट का दौर हमने आते हुए देखा है क्रूड ऑयल में. अभी गोइंग फॉरवर्ड जो आज के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इवनिंग में दैट इज डॉलर की मूवमेंट. अगर यूएस का पेरोल्स का डेटा बहुत वीक है तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, तो उसके कारण क्रूड ऑयल में भी रैली आएगी. तो मुझे लग रहा है कि ये 6980, 6970 और कमजोर यूएस के डेटा दैट विल लीड टू अ रैली इन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ऑल्सो. सो आज एवरीथिंग इज डेटा डिपेंडेंट. और जहां तक कॉपर और दूसरे मेटल्स की बात है तो जिंक का फंडामेंटली मुझे बहुत तेजी लग रहा है. जिंक में जो यूरोप में ग्लेनकोर ने प्रोडक्शन बंद करने की बात की है उसके कारण जिंक 305-6 पे बाय कीजिए और फिर से 312-313 के टारगेट रख सकते हैं. कॉपर अराउंड 644-645 के आसपास बाय कीजिए. कॉपर के प्राइजेस मुझे लग रहे हैं फिर से 652-653 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं. सो बाय ऑन मेटल साइड. एंड डेटा कमजोर होगा तो गोल्ड सिल्वर में मेजर रैली देखने मिलेगी. So that is there from my side, and we'll go to the question answer part. So there are no question answers. So thank you very much. Every 1 minute, I think I got it. Crude oil में positional buy का view दे सर. नहीं, अभी crude oil में positional buy नहीं कर सकते. We are still not out of woods. So रुकिए. Sir, zinc में buy 303 का है, copper में 649 में लिया है. Hold कीजिए. मुझे लग रहा है maximum copper 645-44 तक जा सकता है. और जिंक भी होल्ड कीजिए, 310-312 का टारगेट आपको देखने मिल सकता है. राकेश जी पूछ रहे हैं सर चांदी 62,000 कब तक जाएगा. आज का डेटा अगर 200 के नीचे आता है तो आज शाम को ही 60,000 हो जाएगा. सो ओवरऑल अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 4,000 रुपए का रैली आ गया है. हमने आप लोग को पोजिशनल कॉल दिया था 54,000 में 3,000 से 4,000 रुपए की अपसाइड, तो हमारा टारगेट आ गया है. रितेश अग्रवाल सर जिंक 325 तक आ सकता है. यस, डेफिनेटली आ सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा. चाइना में स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होने के बाद 320-325 के लेवल भी आ सकते हैं. राकेश जी पूछ रहे हैं चांदी आ गया है. और रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं सिल्वर नेक्स्ट वीक में क्या लग रहा है. डेटा पे डिपेंडेंट है रमेश जी. आज डेटा कम खराब आता है तो नेक्स्ट वीक भी तेजी हो जाएगी और 59,500 नेक्स्ट वीक ही आपको देखने मिल जाएगा. So I think I've answered all the questions. Data weak आ सकता है क्या? जी, मैं data तो predict नहीं कर सकता हूँ, मैं economist नहीं हूँ. पर it's very tricky. Don't आप data आता है तब mind में कुछ मत रखिए. Already gold silver बढ़ा हुआ है. So data अगर बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होता है तो भी बड़ी rally नहीं आएगी. So already जो चीज में तेजी आ गई है उसमें आपको चेज नहीं करना है. अगर स्ट्रॉन्ग आ गया तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग आ गया तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा गोल्ड सिल्वर में. तो आज कुछ मत सोचिए, डेटा आने के बाद हम कॉल लेंगे. और मैं
हमारे ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, और जो व्यूअर्स हमारे ग्रुप में नहीं है तो मैं ट्विटर पे आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। क्रूड का प्रोडक्शन कम बढ़ाया है फिर भी तेजी क्यों? क्रूड में इसलिए तेजी नहीं हो रही है कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर महीने में, और बाइडन साहब को क्रूड के प्राइस नीचे लाने हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो वो रिजर्व अपना बेच रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो अपना रिजर्व बेच रहे हैं ऐसे ऐसे क्रूड के प्राइजेस WTI के नीचे आ रहे हैं, और ग्लोबल ग्रोथ कम हो रहा है तो इसके चक्कर में भी क्रूड के प्राइजेस नीचे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल फॉर इन-डेप्थ इंटरव्यूज ऑफ इंडिया इंक एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आवर अपडेट्स।